खबर बलिया जनपद से है। बलिया के बिलखरा रोड पे आंदोलन के नाम पर लोगों को ब्लैकमेल करने और रंगदारी मांगने के लिए बदनाम विनोद यादव मानव के खिलाफ सोमवार को नगर के कारोबारियों और नगर पंचायत कर्मियों ने चरणबद्ध आंदोलन शुरू कर दिया, जिसके तहत पहले चरण में सोमवार को कारोबारियों ने विनोद यादव मानव का शव यात्रा निकाला और उसका पुतला फूंका। कारोबारी गोरखनाथ जायसवाल गुड्डू ने बताया कि नगर पंचायत के सफाई नायक मनोज से विनोद यादव मानव ने 17 जनवरी को रंगदारी मांगा था और न देने पर उसके साथ मारपीट भी किया। नगर को इस ब्लैकमेलर के आतंक से मुक्त करना है। यहाँ की पुलिस भी उनकी हरकतों से खौफ में है, जिसके कारण घटना की लिखित सूचना देने के करीब 11 दिन बाद भी पुलिस ने अब तक कोई कार्रवाई नहीं की। इस मौके पर पीड़ित मनोज कुमार, संजय, विनोद जायसवाल समेत अनेक लोग मौजूद रहे। बताया जा रहा है कि बिलथरा रोड नगर में इन दिनों मानव धर्म प्रचार समाजसेवी संस्था के नाम से फर्जी संस्थान द्वारा अवैध वसूली का गौरव धंधा चल रहा है। इस संस्था का स्वयं को जिला संयोजक कहने वाला विनोद यादव मानव पुत्र जीतू ग्राम भीठा बुआरी निवासी आंदोलन की धमकी देकर अवैध वसूली के लिए यहां पहले से ही बदनाम है और आपराधिक प्रवृत्ति का है, जिस पर उभाव थाना में अपराध संख्या 159/2006 धारा 147, 148, 307, 323, 326, 332, 336, 353, 504, 506 एवं 7 CLI और अपराध संख्या 32/2020 बादवी संख्या धारा 147 से 149, 188, 332, 336, 343, 353 व 7 CLI एवं 3 सार्वजनिक संपत्ति क्षति निवारण अधिनियम के तहत पहले से ही मुकदमा भी दर्ज है और कई बार जेल जा चुका है, जिसके कारण उसका क्षेत्र में दहशत है और उसके खिलाफ बोलने की कोई हिम्मत नहीं करता। स्थानीय पुलिस प्रशासन भी इसके बवाली प्रवृत्ति के कारण इसके खिलाफ कार्रवाई से बचती रही है, जिसके कारण इसका मनोबल अब काफी बढ़ गया है। सामाजिक लोकलाज के भय से नगर के कारोबारी उसे सामर्थ्यवश कुछ पैसे देकर अपना पिंड छुड़ा लेते हैं, जिससे वह अब तक आदतन ब्लैकमेलर हो गया है। खर्चा उनका घटा रहता है, कभी तस्वीर में भी चले जाएंगे, कभी चौकड़ चले जाएंगे, कुछ दीजिए। उनको धन चाहिए, 2000 खर्चा चाहिए, 420 वाला काम करते हैं वो। नगर के टाउन कर्मचारी से वो मनोज कुमार सफाई नायक है, उसको धमकाया था। हमारा भी और कर्मचारी है हमारे, एफआईआर भी दर्ज हो चुका है। कह रहा था कि तुमको भी चेक करेंगे, तुम्हारे चेयरमैन को भी चेक करेंगे। इस तरह से बोल रहा है।